अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप अल्लाह ताला के फजल व करम से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। दोस्तों कैसा जा रहा है आपका रोज़ा? मेरा तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रोज़ा जा रहा है, बड़ा अल्लाह ताला का शुक्र है। और अल्हम्दुलिल्लाह पहला अशरा गुजर गया, अब दूसरा अशरा स्टार्ट हो गया है। तो इसी जज्बे से इंशाल्लाह ताला बाकी भी अल्लाह ताला रोज़े रखने की तौफीक अता फरमाए। दोस्तों आज वीडियो बनाने का मकसद ये है कि कोरोना वायरस ने जिस तरह पूरी दुनिया में इस वक्त तबाही मचाई हुई है वो आप सबके सामने है। तो सबसे पहले तो दुआ है कि अल्लाह ताला इस वायरस से पूरी इंसानियत को निजात दिलाए। लेकिन इस वक्त जो हिंदुस्तान में कोरोना वायरस से लोग सफ़र कर रहे हैं, कोरोना वायरस का हॉटस्पॉट हिंदुस्तान बना हुआ है कि हॉस्पिटल्स में बिल्कुल जगह नहीं है, लाखों की तादाद से हर सिटी में वहाँ पे केसेस आ रहे हैं, लाखों की तादाद से। तो किसी भी गवर्नमेंट के लिए इस तरह इसको टैकल करना बड़ा मुश्किल है। तो लिहाजा सड़कों के बाहर वहाँ पे पेशेंट पड़े हुए हैं, इंसानी इस कदर जाने वहाँ पे ज़ाया हो रही हैं कि आज पूरी दुनिया का मरकज हिंदुस्तान बना हुआ है। और अल्लाह ताला उन पे अपना ख़ास रहम फरमाए, फजल करे। और ख़ास तौर पे जो एक और चीज़ है जो काबले फिक्र है कि ऑक्सीजन की वहाँ पे बहुत ज़्यादा कमी हो गई है, तो ये बहुत ही काबले फिक्र और काबले गौर बात है। और इस वक्त मैं बतौर पाकिस्तानी कनेडियन एक बात करना चाहता हूँ कि इस वक्त बात सरहदों की नहीं है, इस वक्त बात इंसानियत की है। इंसानियत सबसे बड़ी होती है, सरहदों से ऊपर कहीं ऊपर होती है। तो बतौर हम पाकिस्तानी, जिस तरह अभी मैंने देखा कि अब्दुस्तार ईदी फाउंडेशन की तरफ से हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को हेल्प के लिए को परमिशन ऑर्डर लेना चाह रहे हैं, इसी तरह गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए भी यही बस रिक्वेस्ट है कि जिस कदर हो सके अपने हिंदुस्तानी भाइयों की, बहनों की, बुज़ुर्गों की, माओं की, बच्चों की, सबकी मदद करें। वो हम जैसे इंसान हैं, इंसानियत सब हम सब एक जैसे इंसान हैं। सरहदों की बात नहीं होती, बात इंसानियत की होती है। तो ये वक्त किसी पर भी आ सकता है, तो इसलिए अल्लाह ताला सब पे अपना रहम करे।